नमस्कार दोस्तों, हमारी TCM फैमिली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का बेसिक टाइप जो होता है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं। हम बेसिक से लेकर हाई लेवल के जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं अभी भी, उस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल पहले बारीक बारीक से आपको देखना है। ओके, चलो। तो जैसे मान लो कोई नंबर है, ये लिखा है 5, 4, 3, 2, 1, है ना। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? क्या हम इसको एकदम देख पाते हैं कि 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा? तो इसको एकदम बहुत जल्दी से देख लेना, पता कर लेना कि भाई ये नंबर किस से कटेगा, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जब विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे तब ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 का नियम। किसका नियम भैया? 2 का नियम। एक का तो नहीं बताना, ठीक है ना। याद रखना, हर एक संख्या एक से घटती है। कोई भी नंबर ले लो, 1,000,00,00,00,10,0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 0,
देखते हैं यदि इकाई अंक पर यदि इसके इकाई अंक पर यदि इसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 यदि इकाई अंक पर यूनिट प्लेस पर यदि ये इवन नंबर आ जाएं, सम संख्याएं आ जाएं, कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं होती हैं 0, 2, 4, 6, 8 हम पहले भी बता चुके हैं 0 भी एक इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 आया ना। तो कहने का मतलब ए नंबर ए जो संख्या होगी ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। इकाई अंक पर 2 कुछ भी आ जाए ओके। चलो भैया ए हो गया हमारा 2 का नियम ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं 3 का नियम ठीक है। चलो भैया 3 का नियम पढ़ते हैं ओके। लिखो भैया 3 का नियम ठीक है। मान लो 3 का ए लिखा है 5, 4, 3, 2, 1 ठीक। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? चलो इसको हम देखते हैं। इसको देखने का तरीका यही होता है 3 का जो तरीका होगा वही 3 का इसका करोगे तो 9 वही 9 का तरीका होगा जो 3 का होगा तो वही 9 का होगा ठीक है ना। चलो तो पहले 3 का देखते हैं क्या तरीका होता है। चलो भैया सम ऑफ डिजिट अंकों का योग इनके अंकों का योग देखना थोड़ी सा 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15 इनके सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 15। क्या ये जो 15 है 3 से कट रहा है पूरी तरीके से 3, 5, 15 पूरे तरीके से कट गया नंबर है ना। तो कहने का मतलब यदि इनका सम ऑफ डिजिट अंकों का योग 3 से कट जाए किससे कट जाए 3 से कट जाए ठीक है ना। तो पूरी की पूरी संख्या कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 ओके। चलो भैया तो इसको हम ऐसा नहीं करते कि यदि मान लो बहुत बड़ी संख्या है तो कि हम सबको जोड़ेंगे बिल्कुल नहीं जोड़ना है। अपन को डायरेक्ट देखना है 3 से 3 कट जाएगा 2 और 1, 3 होता है 5 और 4, 9 क्या ये सम 9 आ रहा है 5 और 4 का क्या 3 से कट रहा है 5, 4, 9, 3, 3 का 9 कट गया। तो कहने का मतलब ये जो पूरी की पूरी संख्या जो आई ना वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी हाँ या ना। तो बस यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि ये संख्या 3 से कट जाएगी। मान लो एक क्वेश्चन लें देखना अच्छे से 3, 2, 1, 8, 7, 5, 9, 2 क्या ये संख्या 3 से कटेगी देखते हैं। देखो 3 कट गया 2 और 1, 3 कट गया 8 और 7, 15 5 से 15 होता है कट गया 9 से 9 कट गया 5 और 2, 7 ओ नहीं कट रहा है। अगर मान लो हमने यहाँ पर 2 और लिख दिया 5, 2, 7 और 2, 9 हो गया ना तो ये पूरा का पूरा संख्या कट जाएगी है ना। तो कहने का मतलब सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहा है तो मान के चलो कि ये संख्या 3 से कट जाएगी है ना। चलो भैया इसका देखो क्वेश्चन कैसे आता है ठीक है। चलो क्वेश्चन पर ध्यान दो बाकी सब बढ़िया है। चलो जैसे लिखा है 5, 4, 3, *, 2, 1 लिखा है जो नंबर है ना वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 है। जो पूरी की पूरी संख्या है ना वो कट रही है किससे 3 से। हमसे पहले ही बता दिया कि ये संख्या 3 से कट जाएगी ठीक है ना। तो हमको बताना है कि जो स्टार लिखा है इसके स्थान पर क्या आएगा
और ये जो एक स्टार है ना, यदि ये एक स्टार है तो वो सिंगल डिजिट, एक ही अंक आएगा यहां पर, सिंगल डिजिट एक अंक आएगा, ठीक है ना। एक स्टार, यदि यहां पर दो स्टार होते ना तो दो डिजिट में लिखते अपन, ठीक है ना। चलो देखो, तो कहने का मतलब हम देखते हैं, तीन से काटते हैं इनको। तो पहले तो बदलो, पेन बदल दिए, काटो। 5 4 9 कट गया, 3 से 3 2 1 3। अब यहां पर क्या आ सकता है, यहां पर आ सकता है 0 भी आ सकता है, ओके आ सकता है, 3 भी आ सकता है क्योंकि 3 से 3 कटता है, 6 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, ओके और कुछ नहीं आ सकता, और कुछ नहीं आ सकता। यदि आपने बोला कि भैया 12 लिख दो, फिर कोई और आएगा वो बोलेगा 15 लिख दो, समझ में आ रहा है, कोई बोलेगा 18 लिख दो, फिर तो 3 के मल्टीपल करोड़ों होंगे, तो वो भी लिख दो, घर की तो खेती है नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिंगल डिजिट में लिखना है। तो सिंगल डिजिट क्या होता है, 0 to 9, 0 से लगा के 9 तक सिंगल डिजिट होते हैं, 10 से लगा के 99 तक, 99 तक डबल डिजिट आते हैं, समझ में आया। तो कहने का मतलब 0 to 9 सिंगल डिजिट की ही वैल्यूज होती हैं, ओके। चलो भैया आगे बढ़ो, ये हो गया हमारा 3 का नियम हो गया। चलो आगे बढ़े, अपन प्रैक्टिस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो अब पढ़ें 4 का नियम, 4 का नियम देखो। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख दें। ये जो 2 आता है ना, ये कहलाता है डिजिट। इसी प्रकार से हम 8 का नियम भी देखेंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो ये भी क्या आएंगे, डिजिट, ये भी क्या आएंगे, डिजिट, ठीक है ना। चलो ओके, तो यहां पर हमने एक चीज देख ली, क्या देख ली भैया, यदि जब हम 4 का पढ़ेंगे, 4 का नियम, तो इकाई अंक के 2 अंक देख लेंगे, जब 8 का करेंगे तो 2 की पावर 3 होता है ना, 8, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, समझ में आया ना, ओके। और हमने देखा जब 3 का नियम पढ़ रहे थे तो सम ऑफ डिजिट लग रहा था, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 में भी हम सम ऑफ डिजिट देखेंगे, अंकों का योग देखेंगे, ठीक है ना। चलो खैर, ये तो हो गया मोटा मोटी, यहां देखो अब आगे बढ़ो, हमको देखना है 4 का नियम, ठीक है ना। चल देखो 4 का नियम क्या कह रहा है, 4 का नियम कहता है कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि लास्ट, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये डिजिट कहलाते हैं। यदि लास्ट के 2 डिजिट, यदि लास्ट के 2 डिजिट, ये मान लो संख्या है, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट कौन से कहलाने, ये वाले कहलाने, 72 लिखा है, 5 4 3 2 4 8 7 2, लास्ट के 2 डिजिट, 2 अंक कौन से कहलाने, 72 कहलाने। तो हम देखेंगे क्या जो 72 है, क्या ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम बोले है भैया, 18 चौके 72 होता है, तो के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, हम बोले कट रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये जो पूरी की पूरी जो संख्या है ना, ये 4 से कट जाएगी, ओके। ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी, समझ में आया ना। चलो बहुत बढ़िया भैया, चलो इसका एक थोड़ी सा क्वेश्चन बना लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। चलो जैसे लिखा है 5 4 3 2 1 6 स्टार लिखा है, कंप्लीटली डिविजिबल है, एक कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, ये जो संख्या है ना पूरे तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना, कट जाएगी 4 से, तो हम बोलेंगे कि इस स्टार के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना। चलो देखो, हमें पता है 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक देख लो, लास्ट के कितने अंक देखना है, 2 अंक देखना है, यही तो है 2 अंक। चलो देखो, काटो 4 से, 4 1 4 कितना बचा, कितना बचा, 4 1 4 6 4 2 बचा। अब इसका उतारा होगा स्टार पर, है ना, तो ये बताओ इस स्टार की जगह पर क्या लिख सकते, क्या हम यदि यहां पर 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 4 5 20 होता है, कट जाएगा ना, 0 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं क्योंकि 2 4 24 हो जाएगा, और 4 6 24 हो जाता है, ठीक है ना, और 8 भी कर सकते हैं क्योंकि 28 हो जाएगा, 4 7 28 होता है। तो कहने का मतलब स्टार के प्लेस पर हमें 3 नंबर, 3 संख्या
संख्याएं ले सकते हैं 048 048। ये हो गया भैया हमारा चार का नियम, ठीक है ना। चलो बढ़िया है, अब आगे बढ़े, अब हम पढ़ते हैं पांच का नियम, ठीक है ना। पांच का नियम, एक बार करोगे ना सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। इसके बाद हमको करनी है प्रैक्टिस, समझ में, जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है, ठीक है ना। अभी तो बस सीख लो, ओके। चलो आगे बढ़े, पांच का नियम कुछ नहीं बोलता, ये तो और मजेदार है। 3 4 5 7 ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है भैया, ये हमसे कह रहा है कि लास्ट में या तो जीरो आ जाए या तो पांच आ जाए, या तो जीरो आ जाए या तो पांच आ जाए। कोई भी नंबर यदि आ जाएगा जीरो या पांच, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा पांच से, है ना। यदि लास्ट में मान लो लिखा है 75, लास्ट में पांच आया ना, तो ये पांच से कट जाएगा, 15 × 75। यदि मान लो ये 60 है, लास्ट में जीरो आ गया, तो ये भी कट जाता है, 12 × 5 = 60, तो 12 आ जाता है। समझ में आया ना। तो कहने का मतलब लास्ट में जीरो आ जाए या पांच आ जाए। चलो मेरे भाई आगे बढ़ो, अब आए 6 पर, जो मेन है, ठीक है ना। 6 पर आओ, ठीक है ना। पहले तो बदल लिया जाए, कलरफुल दुनिया कर ली जाए अपनी, ठीक है। चलो 6 का नियम क्या कहता है देखते हैं, ओके। ओके भैया, 6 का नियम देखते हैं। देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 कर सकते हैं ना, 2 × 3 = 6, है ना। तो कहने का मतलब 2 का नियम एवं 3 का नियम। कोई बोलेगा कि 2 × 3 कर दिया, 6 3 × 2 = 6 भी तो कर सकते हो, कर सकते हैं बहुत प्यार से, लेकिन हम बताएंगे पहले हमने 2 ही क्यों किया या 3 ही क्यों किया, हम बताएंगे 2 हमने पहले क्यों देखा, ठीक है ना। 5 4 3 2 1 हम बोलेंगे क्या ये जो संख्या है 6 से डिविजिबल है, क्या ये जो संख्या है 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 6 पूरी तरीके से इसको काट देगा। हम बोले देखते हैं, तो हमें पहले क्या है 6 के नियम में, हम देखते हैं कि हमें पहले 2 का नियम लगाना है और फिर 3 का नियम लगाना है, ठीक है ना। तो 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम कहता है यदि उसका इकाई अंक इवन हो, 0 2 4 6 8, तो कट जाएगा 2 से। ये बताओ, एक तो ऑड है, तो क्या ये 2 से कटेगा, हम बोले नहीं कटेगा। जब 2 ही से नहीं कट रहा है, तो 3 से कटे या ना कटे क्या फर्क पड़ता है, है ना। तो कहने का मतलब जब ये 2 ही से नहीं कट रहा है, तो क्या ही देखें सर अपन, समझ में आया ना। मतलब ये जो संख्या है 2 से 6 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी, नहीं लगाते अपन, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर 6 लिखा होता, हम बोले ठीक है अब 6 से कटेगा क्या ये, नहीं 6 नहीं, यहाँ पर 4 लिखो, अभी फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। मान लो यहाँ पर लिखा है 4, क्या लिखा है 4, ठीक है ना। तो हम बोले चलो पहले तो लगाओ 2 का नियम, हम बोले 2 × 4 कट गया 2 से। अब लगाते हैं हम 3 का नियम, क्या लगाते हैं 3 का नियम। 3 का नियम लगाने का तरीका क्या होता है भाई साहब, 3 का नियम लगाने का तरीका क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट 5 4 9 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 6 और 4 10, क्या 3 से कट रहा है, हम बोले नहीं कट रहा। तो हम बोले जब 3 से नहीं कट रहा है, तो भैया ये कम्प्लीटली डिविजिबल नॉट, ये 6 से कभी भी कम्प्लीटली नहीं कटेगी, समझ में आया। 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। हमने यहाँ देख लिया, सबसे पहले 2 का नियम लगाया, किसका नियम लगाया भैया 2 का, फिर लगाया 3 का। ऐसा नहीं किया कि पहले 3 का लगाया, यदि मान लो हम 3 का लगा दे, तो इतना टाइम वेस्ट करते और पता चला कि बाद में कट ही नहीं रहा है, और इतना टाइम लगा दिया। और हो सकता है कि भैया मान लो कोई एक यहाँ पर नंबर आया था, तो भैया कट रहा है, तो हम बोले एक नहीं कट रहा है 2 से, ओके। तो अपन देख लेते आसान कौन सा नियम लगाना है सबसे पहले, तो 2 का नियम, ठीक है ना। तो बस यही करते हैं, देखो एक क्वेश्चन देखो तुम लोग, तब समझ में आएगा। आ जा भैया यहाँ देखो, जैसे लिखा है 5 4 3 2 1 और 8, हमसे पूछा है क्या ये 6 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, क्या ये पूरी पूरी जो संख्या है 6 से डिविजिबल है। हम बोले देख लेते हैं 6 का, 6 से डिविजिबल करना है तो हम देखेंगे पहले 2 से
या दो से कटता है आठ, दो चौके आठ कट गया, मतलब ए तो पास हो गया। अब तीन का नियम लगाते हैं, देखो पाँच चार नौ, तीन दो एक तीन, आठ नहीं कट रहा है तुमसे, तो ये संख्या कभी भी नहीं कटेगी। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है। यदि मान लो यहीं हम लिख देते 5 4 3 2 1 8 और 4, ऐसा लिख देते, हम बोलेंगे कि अच्छे से कटेगी। हम बोलेंगे देखते हैं, पहले तो दो का नियम लगाओ, दो दूनी चार कट गया, अब तीन का लगाओ, पाँच चार नौ, तीन दो एक तीन, आठ चार बारह, ये पूरी की पूरी संख्या कंप्लीटली डिविजिबल बाय सिक्स, ये पूरी की पूरी जो संख्या है ना छः से कट जाएगी। समझ में आया? आ रहा होगा, ठीक है। चलो भैया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। सीख गए ना? सीख जाओगे, नहीं सीखे तब भी सीख जाओगे, सीख गए होगे तो बधाई हो, ठीक है। यहाँ देखो, मान लो एक क्वेश्चन लिखा है 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, और हमको लिखा है कि यहाँ पर स्टार लगा है, बस क्या लगा है, स्टार लगा है। तो हमको यही बताना है यहाँ पर, और ये लिखा है कम्प्लीटली डिविजिबल वाई भी है, कितना ऐसे डिविजिबल वाई भी है, ये जो पूरी की पूरी जो संख्या है ना छः से कट जाएगी, क्या हो जाएगी, छः से कट जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, छः से कट जाएगी। चलो हमें पता है ना छः का मतलब क्या होता है, दो का नियम लगे और तीन का नियम लगे, दो का नियम लगे और तीन का नियम लगे, दो से भी कटना चाहिए और तीन से भी कटना चाहिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम कौन सा नियम लगाएंगे, दो का नियम लगाएंगे। तो दो का नियम क्या कहता है, इसके स्थान पर यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर स्टार पर 0 2 4 6 8, इतने नंबर्स होने चाहिए, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, है ना। चलो अब हम देखते हैं, चलो दो का नियम के लिए तो ये तो कंडीशन हो गई, अब तीन का नियम लगाते हैं, तीन का नियम के लिए 5 और 4 9, 3 2 और 1 3, अब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा ना वो तीन से कटना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, तीन से कटना चाहिए। यदि मान लो यहाँ पर 0 रख देते ना, 0 रख देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 4 9 9 3 12 12 14 और 1 15, और 0 रखते तब भी 15 ही होता सम ऑफ डिजिट, तो 3 5 15 कट जाता। तो कहने का मतलब स्टार के प्लेस पर हम 0 रख सकते हैं, नंबर इन्हीं में से रखना है। अब इसमें से एक ऐसा नंबर बता जो तीन से भी कटे, दो कटेगा क्या, तीन से नहीं कटेगा, चार कटेगा क्या, आठ कटेगा क्या, क्या कटेगा, छः कटेगा। तो कहने का मतलब इसके स्थान पर हम रख सकते हैं केवल और केवल 0 या 6, या तो 0 रखेंगे या तो 6 रखेंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया, आ गया होगा, ठीक है ना, ना हो तो एक बार और रिवाइज करके देख लेते। चलो आगे बढ़े, चलो अब हम देखते हैं 7 का नियम, ठीक है। चलो तो बदल लो पेन, 7 का नियम देखो, 7 का नियम देखो, 7 का नियम पढ़ते हैं, ठीक है। 7 का नियम कह रहा है, पहले 7 के नियम में भी कुछ कंडीशन या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, पहले उसको ही डिस्कस कर लिया होता है, ठीक है ना। चलो देखो, मान लो पहले 7 के नियम में पहला पॉइंट लिखना आप, यदि कोई भी संख्या जिसका रिपीटेशन 6 बार आ रहा है, 6 एक संख्या 6 है उसको 6 बार लिख दिया घुमा के, ठीक है ना, या मान लो 5 है, 5 को कितनी बार घुमाना है, 6 बार घुमाना है, घुमा दिया। तो जब भी किसी एक सिंगल डिजिट का रिपीटेशन 6 बार होता है, किसी एक सिंगल डिजिट का रिपीटेशन 6 बार होता है, तो वो कुछ एक संख्याओं से कटती है, हमेशा डिविजिबल होगी, हमेशा, ठीक है ना, कम्प्लीटली डिविजिबल होगी, हमेशा कटेगी। समझ में आया ना? देखो कौन किस किस से कटेगी, 3 से कटेगी, है ना, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी और 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी, 1001 से कटेगी,
तीन से कटेगी, सात से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, हमेशा 37 से कटेगी और 1001 से कटेगी। हाँ या ना? चलो भाई बढ़िया, लिखते चलना आराम से, ठीक है। नियम नंबर सेकंड देखो, नियम नंबर सेकंड, ठीक है ना। यदि कोई संख्या है थ्री डिजिट की, मान लो 357 है, 357 है, ठीक है ना। जब कोई थ्री डिजिट की एक संख्या होगी और उसको एक बार और लिख दिया जाए, है ना। जब कोई थ्री डिजिट की संख्या है, 500 मान लो 28 है, और इसको एक बार और लिख दिया जाए 528, है ना, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। कुछ एक नंबर होते हैं जैसे 11, 13, 37, 11, 13, सॉरी 7, 11, 13 से, ठीक है ना, 7, 11, 13, 1001 से। बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है भैया, इसको रटना ही पड़ता है, ठीक है ना, इसको रटना ही पड़ता है, याद ही कर लेना इसको, ठीक है ना। ये जब भी किसी एक संख्या है वो तीन डिजिट की और एक बार और रिपीटेशन कर दिया है ना, इसको क्या करते हैं हम, जो वो नंबर्स होंगे ना वो 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 1001 से कटेगा, है ना। चलो भैया लिख लो इसको, चलो भैया आगे बढ़े अपन। चलो नियम नंबर थर्ड लिख लो, थोड़ी सा है ही थोड़ी सा ये सात वाला, अजीब गरीब इंसान, ठीक है। चलो जब भी कोई टू डिजिट का नंबर होगा, मान लो 25 है, फिर एक बार और घुमा दो 25, फिर एक बार और लिख दो, आया ना। मतलब टू कोई एक संख्या है वो टू डिजिट में है, कितने डिजिट में है, टू डिजिट में, दो अंक में, उसको तीन बार लिख दिया 25 25 25, या हम लिख दें 82 82 82 82 82 82, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगी बर हमेशा। किस किस से कटेगी भैया, तीन से कटेगी, सात से कटेगी और 13 से कटेगी, तीन से कटेगी, सात से कटेगी और 13 से कटेगी, ठीक है ना, तीन से कटेगी, सात से कटेगी और 13 से कटेगी, समझ में आया ना। तो ये हमारे कुछ नियम धर्म होते हैं सात के, ठीक है ना, क्या होते हैं, नियम धर्म होते हैं। चलो ठीक है अंगुल, तो कहने का मतलब जब भी कोई संख्या होगी, संख्या को एक सिंगल संख्या है उसको छह बार लिख दिया तो 3, 7, 11, 13, 37, 1001 से कटेगी, ठीक है ना। यदि किसी थ्री डिजिट की संख्या उसको एक बार और लिख दिया तो 7, 11, 13, 1001 से कटेगी, ओके। और यदि टू डिजिट की कोई एक संख्या है उसको एक तीन बार लिख दिया, 1, 2, 3, तो वो कटेगी किस किस से, कटना है 3, 7 और 13 से, ओके। ये हो गए भैया हमारे नियम, ठीक है। और एक नियम होता है सात का मेन, ये हर जगह पर एप्लीकेबल होगा, जैसे लिखा है 343, क्या लिखा है 343, क्या लिखा है 343, चलो ठीक। 343 से कुछ नहीं करते भैया, इकाई का अंक है ना, इसको तो काटो, काट दिया, इसको काटो। अब भैया इसको काटा है तो इसको कुछ टॉफी भी देनी पड़ेगी, तो इसको दुगना कर दो, तीन दूनी है, काटा है तो उसको कुछ भी तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको कर दो 3 दूनी। अब उसको उससे थोड़ी सा फायदा भी उठा लो, उसको मार्केट भेज दो, टॉफी ले आओ, कुछ भी ले आओ, ठीक है ना। तो 34 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा,
28, तो क्या ये जो संख्या 28 है 7 से कट रही है? कट रही है। तो ये जो संख्या 7 से कट रही है, 7 चौके 28, ये पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, ठीक है ना। ये नियम हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे वैल्यू छोटी होती जाती है, ठीक है ना। चलो मान लो एक हम छोटा सा ले लें, एग्जाम्पल ले लें, देखो कैसे। जैसे एक वही नंबर ले लो, क्या ही जा रहा है, 358, 300 ही ले लें। चलो देखते हैं क्या ये 7 से कटेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लो। इसको काटो, 8 दूनी 16, घटा दो 16, घटा दो 5 के माने 15, 15 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 35 में से, 35 में से 16 घटाना कितना आएगा भैया, 19 आएगा, कितना आएगा 19 आएगा, रे उठा दो 358। अब इसको काटो, 9 दूनी 18, 1 के माने 11 में से 8 गया 3, कह रही है 8 में से 2 गए 5 रे। इसको काटो, 3 दूनी कटा दो 350 बचे, क्या 350 7 से कट जाएगा, 7 पन्ना 35 है ना। तो कहने का मतलब ये जो पूरी इतनी बड़ी संख्या थी ना, हमने देख लिया ये पूरी पूरी संख्या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो नियम है ना सभी जगह लग जाएगा। आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं रखा इसमें। 8 का नियम देखो, ठीक है ना। 8 देखो, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, 2 की पावर 3। लास्ट के 3 डिजिट देखना है इसमें, जैसे लिखा है 5 4 3 5 512, तो क्या ये पूरी तरीके से कट जाएगी, ये पूरी तरीके से कट जाएगी। तो हम केवल 8 से काटना है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, कितने डिजिट, 512 काटना 8 से, 8 6 48, कितना बचेगा 3 32, 8 चौके कट गया ना पूरी तरीके से, है ना। तो कहने का मतलब ये पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ओके। आगे बढ़े, चलो भैया ये पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। चलो 9 का देख लो नियम, 9 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कह रहा था सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, 9 का नियम बोलेगा, 3 का नियम क्या कह रहा था, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 9 का भी यही बोल रहा है। जो सम ऑफ डिजिट होंगे ना, सम ऑफ डिजिट वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय होना चाहिए 9 से। जैसे हम बोले 5 4 7 8, है ना, इनका अंकों का योग देखना कितना होगा, 5 और 4 9, 9 7 और ए जोड़ो पूरा, सबको जोड़ लो थोड़ी सा, 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 7 18, 18 4 22, 22 5 27, क्या ये 9 से कट रहा है, तो ये 9 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इसको देखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, 5 4 9 7 और 8 15 और 3 18, 9 दूनी 18, ओके कट गया, पूरी की पूरी संख्या 9 से कट गई। जैसे एक क्वेश्चन देखो, 5 4 9 8 7 2 5 4, क्या ये कटेगी 9 से, हम बोले ठीक है देख ले रहे, 5 4 9 2 8 7 15 नहीं 5 4 9 7 और 2 9 8 बच रहा है, ये नहीं कटेगी, हाँ या ना, ठीक है। चलो भैया मान लो एक क्वेश्चन ये दे दे हम, 5 4 3 2 1 4 8 0 7, ओके काटो थोड़ी सा, 5 4 9 8 और 1 9 7 और 2 9, अब 4 और 3 कितना बचा 7, तो ये 9 से नहीं कट रहा है ना। यदि मान लो 2 यहाँ होता तो 4 3 7 और 2 ये भी कट जाता, ओके बना पाओगे ना। चलो भैया प्रैक्टिस करवा दें, मेन तो प्रैक्टिस होती है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, मान लो ये लिखा है 5 4 8 7 4 3 1, ये जो नंबर है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, हमको बताओ क्या इस संख्या कट जाएगी,
नहीं, ये संख्या तो बोला है 9 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो हमको ये बताना है इसके स्थान पर क्या रख दें। ओके, इसके स्थान पर क्या रख दें, ठीक है। चलो भैया, हमको बताना है क्या इस हमको बताना है कि इस स्टार पर क्या आएगा। हमको बताया जो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है, तो हमको बताना है कि स्टार पर क्या आएगा, ठीक है ना। चलो देखो, हम देखते हैं, 9 का नियम लगा दो, 5 4 9 कट गया, 8 और 1 9, 7 7 और 3 10, 9 एक अम 9 दूनी 18 होता है, तो कहने का मतलब 7 3 10 और यहाँ पर 8 रख देंगे, कितना हो जाएगा, है ना, कितना रख दोगे, हो गया खेल भैया, अब कुछ नहीं रख सकते, क्या आप एक एक 8 ही रख सकते, तो यहाँ पर स्टार के प्लेस पर क्या आएगा, 8 हो गया, ठीक है ना, क्या आएगा, 8 आएगा। चलो आगे बढ़े, 10 का नियम किसको देखना है कोई महानुभाव 10 का नियम देखने के लिए, अरे कोई भी संख्या 10 से कब कटेगी, जब उसके इकाई अंक पर 0 होगा, जब उसके इकाई अंक पर क्या होगा, 0 होगा तभी कटेगी। मान लो 30 है तो कट जाएगा, 70 है तो कट जाएगा, 75 है तो नहीं कटेगा, 71 है तो भी नहीं कटेगा, 73 है तब भी नहीं कटेगा, तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो भैया 10 का नियम हो गया, 11 का देखो जो मेन है, चलो यहाँ देखो 11 का नियम, मान लो लिखा है आपका लिखा है 3 5 2 3 5, ठीक है ना, 3 5 2 3 5 2 3 5, ओके। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या आता है, देखते चलना मेरे साथ, सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस या सम स्थान पर सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, जो भी सम स्थान पर आए अंक होंगे ना उनका योग करना है, ठीक है ना, और विषम स्थान पर आए, ठीक है ना, सम ऑफ ऑड प्लेस, ऑड प्लेस विषम स्थान के अंक का योग, ठीक है ना, तो ठीक है, सम मतलब यही होंगे 5 3 8 और 2 10, ये वाले सम स्थान पर आए हैं अंक, ठीक है ना, एक छोड़े एक छोड़े एक छोड़ दिया फिर इसको, फिर एक छोड़ दिया फिर इसको, ठीक है ना, सम स्थान पर 5 3 और 2, 5 प्लस 3 प्लस 2, इनका योग देख लो, 3 2 5 और 5, 3 प्लस 2 प्लस 5, इनका योग देख लो, 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, इनके बीच में अंतर देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, अंतर, ठीक है ना, तो क्या इनका जो अंतर 0 आ रहा है, 0 आएगा तो 11 से कट जाएगा, या और 11 का मल्टीपल, इसका मल्टीपल भैया 11 का मल्टीपल, या तो 0 बचे या 11 बचे या 22 बचे या 33 बचे, समझ में आ गया ना, या तो 0 या 11 या 11 या 22, ठीक है ना, तो बस हमने जोड़ा है 3 2 5 और 5 10, 5 3 8 और 2 10, एक कट गए तो 0 आ गया ना, तो बस एक 11 से कट जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन देखो, थोड़ी सा लिखा है 13 31, ठीक है ना, ये बताओ 3 और 1 4, यहां देखो 3 और 1 तो 4 माइनस 4 क्या 0 आ जाएगा, जब कट रहा है तो लिख दो, हाँ या ना, चलो बढ़िया। चलो हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना, तब आएगा समझ, चलो लिखो एक नंबर लिखना, 97 21 5, स्टार
हमसे बोला गया है कि जो नंबर है ना वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6, ये जो नंबर है ना 6 से पूर्णतः क्या है विभाजित है भैया, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि इस स्टार के प्लेस पर क्या आएगा, ठीक है ना, स्टार के प्लेस पर क्या है? कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। देखो भैया यहां पर देख लो, 9 और 2 और 5 और 6 आए ना, 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस इनका योग और इनका योग देखो 7 3 8 3 स्टार, ठीक है ना, 7 1 और यही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनका जो योग आना चाहिए या तो जीरो, इनके योग का अंतर, इनके योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए। देखो कैसे 6 5 9 2 11 2 9 7 और 1 8 प्लस, ये बताओ ये यदि 0 करना है तो ये 8 तो पहले से है, इसको 22 बनाना तो ये भी 22 होना चाहिए, तो ये 8 है तो यहाँ पर 14 रखना पड़ेगा, 14 रखना पड़ेगा ना। तो क्या स्टार के प्लेस पर हम 14 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 14 ना 2 डिजिट में आ रहा है, ये तो सिंगल डिजिट में रखना है ना, 9 तक रख सकते अपन, 0 से लगा के 9 तक, ठीक है ना। चलो ठीक है 0 नहीं आ पा रहा है तो क्या हम इसको 11 बना सकते हैं? देखो 22 में से हमको 22 में से 8 और 3 11 कम कर दे रहे हैं, 8 और 3 तो 22 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा ना, तो या तो 0 है या 11 का मल्टीपल्स है। तो हमने स्टार के प्लेस पर क्या रख दिया भाई साहब? 3 रख दिया, यही हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा सर, बना पाओगे? यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब यहां देखो भैया 12 का नियम देखो, 12 का नियम कुछ नहीं कहता, 12 का नियम कहता है 4 3 12, तो पहले 4 का नियम लगाओ और फिर किसका नियम लगाना है? 3 का नियम लगाना है। और तुम बोल सकते हो भैया 3 4 12 भी तो होता है, होता है ना, कि मतलब पहले 3 का नियम लगाओ फिर 4 का। 3 का नियम लगाने मान लो यहां से लेकर यहां तक नंबर है तो इनको जोड़ते हैं फिर काटते हैं, तो 4 का नियम क्या कहता है? केवल लास्ट के 2 डिजिट देख लो। इसलिए अपन इजी कौन सा है, 3 का नियम लगाने चाहिए कि 4 का नियम? 4 का, तो अपन 4 का नियम सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे कैसे देखना, लिखा है 5 4 3 2 1 6 4 8, 6 4 8। हमसे बोलेगा कि भैया क्या ये 12 से डिविजिबल है पूरे तरीके से? तो हम बोलेंगे पहले 4 का नियम लगाओ, 4 मतलब होता है 2 की पावर 2, तो लास्ट के कितने डिजिट देखना है? तो लास्ट के कितने डिजिट देखना है? 2। तो देखो भैया लास्ट के 2 डिजिट 48, क्या 4 से कटता है? 12 4 48, तो कहने का मतलब है कि 4 का नियम लग गया। अब 3 का नियम लगा दें, चलो लगाओ 5 4 9 3 2 1 3 है, 8 4 12 3 4 12, ये भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये पूरी पूरी संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी, समझ में आया? तो पूरी की पूरी संख्या 12 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। अब करते हैं अपन प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलो 42 57 3, 42 57, बहत्तर से कट रहा है, ठीक है।
क्या आएगा, इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। ये बता 72 मतलब क्या होता है, 9 8 72। तो पहले 9 का नियम लगाओगे कि 8 का नियम लगाओगे, यही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, पेपर में पहले 8 का लगाओगे कि 9 का लगाओगे। चलो ये देखो, हम पहले लगाएंगे 9 का लगा दें, ठीक है ना। चलो 5 और 4 7 और 2, 7 2 9, 5 4 9, कट गया ना। तो यहां पर 3 और 6 कट गया। अब 8 का नियम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर 8 का नियम लगाओगे भी ना तब भी कट जाएगा। देखो ये 73 है, 8 से काटो, 8 9 72 एक बचेगा ना। अब 6 यहां बैठा होगा तो 16 हो जाएगा, तो 8 2 16 हो जाएगा। समझ में आया? ओके चलो आगे। अभी एक थोड़ी सा कंसेप्ट समझो, यदि ये लिखा है 72 5 40 0 डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना, बहुत अच्छे से देखना है। ये बताओ ये क्या 40, इसको काट पाएगा क्या ये 40? काट देगा कैसे पता? तो देखो, कहने का मतलब तुम्हें लग रहा है 40 40 कट गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यहां देखो भैया, ये जो जीरो है ना, यहां जब काटेगा 40, इसको तो ये उड़ा देगा, तो क्या बचेगा? है ना। तो इस 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट कौन से कहलाने, ए वाले कहलाने कि ये वाले कहलाने? ए वाले कहलाने ना, ए वाले कहलाने ना, ठीक है। तो भैया क्या इस 4 से 54 कट रहा है? नहीं कटेगा। 13 चौके 52, 14 चौके 54 तो आती नहीं है 4 के 10 में, या काट के देखो 4 एकम 4, 14 हो जाएगा, 4 3 12 नहीं कट रहा है ना। कहने वाले ये जो संख्या है कभी नहीं कटेगी 40। तो कहने वाले 4 का नियम लगाना है तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट कौन से होंगे? ए वाले होंगे, ठीक है ना। कौन से वाले होंगे? ए वाले होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए तो इसका खा गया, खा पी गया। ओके चलो, तो इसी में हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करो जल्दी से करो, फिर मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो अभी आए हुए हैं पेपर। देखो देखते हैं 80 से कैसे कटेगा। भैया 80 से काटने के लिए 0 यहां होना चाहिए तब तो ये कटेगा, है ना। यहां पर 0 होना चाहिए तभी ये 0 से 0 कटेगा। तो यहां पर y की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि 0 होगी, बात खत्म। अब लास्ट में 8 का नियम लगाना है तो 8 के लिए 8 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 3 डिजिट देखना है लास्ट के। तो 8 के लिए 3 अंक ए वाले होंगे, कौन से वाले होंगे? ए वाले होंगे। ए नहीं होगा, ए तो 0 हो गया, तो इस 0 से ये 0 कट गया, आया ना। तो यहां देखो 5 3 x को काट दो किससे? 8 से, 8 6 48, आया ना। कितना बचा भाई साहब? 5। फिर इसका उतारा करेंगे तो x है, यहां पर कौन सी वैल्यू पुट कर दें जो काट दे 8 से? 8 5 40 8 3 48 8 7 56। तो क्या 6 रख दें यहां पर? तो पूरा का पूरा 8 7 56, आया ना। तो कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? लो भैया इसी की आई थी, ठीक है ना। यहां पर कभी कभी हमसे यही पूछ देगा तो फाइंड करें 5x + 3y, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये 5 है, x की वैल्यू कितनी निकली? 6 + 3, y की वैल्यू कितनी निकली? 0। तो 5 6 30, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, आया ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो
एक दो क्वेश्चन दे दें तो क्या हम चलो लिखना थोड़ी सा M39 04 84 58 N। हमसे बोला है जो संख्या है ना, आठ और ग्यारह दोनों से विभाजित है, आठ और ग्यारह दोनों से विभाजित है, ठीक है ना। तो हमको बताना है एम और एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एम और एन की वैल्यू क्या हो सकती है। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं, हमें तो पहले ही बताओ, आया ना। चलो लास्ट की थ्री, तो लास्ट के थ्री काट दें क्या, 5 8 10 काटो थोड़ी सा, आठ से काटो, आठ सात ही बच गए, 10। अब 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, तो एन की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, 3। क्या पुट कर दें, 3। तो यहां पर वैल्यू कितनी पुट हो गई, 3। अरे हाँ या ना, हाँ 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 भैया नहीं आएगी, 4 पुट करोगे ना यहाँ पर, कितना पुट करोगे, यहाँ पर कितना आ गया, ये तो फिक्स हो गया, कितना हो गया फिक्स, यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, कोई दिक्कत। चलो अब 11 से भी कटना चाहिए, चलो 11 का नियम क्या कहता है, इनका योग इन्हीं का योग ना, ठीक है, इन्हीं का योग इनके योग के बीच में कुछ अंतर 0 होना चाहिए, आया ना, यही ना। जोड़ो थोड़ी सैनी को, जोड़ लो M प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, आया ना, इनको जोड़ो थोड़ी सा, दिख रहा है ना, ज्यादा बड़ा हो गया। अब इनका देखो थोड़ी सा, 3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4, यही ना, जोड़ो थोड़ी सा, 8 4 12 4 16 और 9 25, एम प्लस कितना हो जाएगा, ठीक है, अंतर देखना है थोड़ी सा, देखो कितना जाएगा, इनका कितना आ रहा है, 5 4 9 17 और 3 20, कितना आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये बताओ, तो यहां पर हमने कर लिया, देखना, m प्लस 25 माइनस का, यही ना, या तो इनका अंतर 0 आ जाए, या तो इनका अंतर 0 आ जाए, या 11 आ जाए। ये बताओ क्या हम इनका, देखो इसमें तो वैसे जुड़ रहा है और ये एक्स्ट्रा भी है, तो क्या हम यहाँ इसको हम कभी क्या 20 बना सकते, 20 माइनस 20 कभी नहीं बना सकते, है ना। तो क्या हम इसको 11 बना लें, बना ले रहे हैं, ये तो 20 है, ये 5 है, तो क्या हम इसको 6 रख दें, देखो 25 और 6 31 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, बचा ना, 11 का मल्टीपल है ना, तो कहने का मतलब एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई, कितनी आ गई भैया, आया समझ में कि नहीं। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6, एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, ठीक है, हमें पूरा विश्वास नहीं आया होगा तो एक बार और, ठीक है ना, ये फर्स्ट वीडियो है इसके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की, इसके बाद और बनाएंगे ना तो और डिटेल में क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। चलो भैया जय हिंद, कल मिलते हैं, ओके।